सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा सहकारिता मंत्री डॉक्टर राजीव सहसल ने चौधरी सरवीन कुमारी कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में सहकारिता के माध्यम से रोजगार की संभावनाएं विषय पर आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने कहा कि सहकारिता क्षेत्र में स्वरोजगार की अपार संभावनाएं हैं और युवाओं को इस दिशा में आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और पर्यटन को सहकारिता से जोड़कर स्वरोजगार की दिशा में प्रयोग किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सहकारिता के माध्यम से प्राकृतिक कृषि, बागवानी तथा इससे संबंधित अन्य गतिविधियों, जैविक खेती, ढांचेगत संरचना तथा प्रौद्योगिकी इत्यादि को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिसमें किसानों की आय में वृद्धि कर रोजगार के अवसरों को सृजन हो सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा सहकारिता आंदोलन को सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम के माध्यम से एकीकृत सहकारिता विकास परियोजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। सैजल ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत सहकारी सभाओं का ढांचागत विकास, कार्यशील पूंजी सृजन और मानव संसाधन विकास हेतु ऋण व अनुदान उपलब्ध करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश सहकारिता का जन्मदाता है और सरकार सहकारी सभाओं को हर संभव सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सहकारिता क्षेत्र में स्वरोजगार की अपार संभावनाएं हैं और युवाओं को इस दिशा में आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और पर्यटन को सहकारिता से जोड़कर स्वरोजगार की दिशा में उपयोग किया जा सकता है। उन्होंने प्रदेश में सहकारिता को जन आंदोलन बनाने के लिए आपसी सहयोग से कई कार्य करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि आपसी सहयोग, आत्मविश्वास, ईमानदारी और नवीन सोच से ही प्रदेश में सहकारिता के क्षेत्र में शीर्ष पर पहुंचा जा सकता है। इससे पहले रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी हिमाचल प्रदेश बीसी डडवालिया ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 4,032 सहकारी सभाएं पंजीकृत हैं और इसके 17,29,000 सदस्य पंजीकृत हैं। कार्यक्रम में उप कुलपति कृषि विश्वविद्यालय अशोक कुमार सरयाल, जिला भाजपा अध्यक्ष विनय शर्मा, पालमपुर मंडल अध्यक्ष संजीव सोनी और कांगड़ा जिला की विभिन्न सहकारी सभाओं के पदाधिकारी व गणमान्य लोग मौजूद रहे। इनमें क्या हम आगे बढ़ सकते हैं, बागवानी की दृष्टि से हम क्या कर सकते हैं, साहसी खेल, ये जितने हमारे एडवेंचरस स्पोर्ट्स हैं हिमाचल प्रदेश तो, और मैं देखता हूं हमारे जितने कोस्टल एरियाज हैं, हमारे मंचासीन अन्य जो महानुभाव हैं उनसे सहमत होंगे कि ये जो साहसी खेल हैं और विशेष तौर से जो हमारी जो कोस्टल एरियाज हैं वहां पर जो भी चाहे वो पैरासिलिंग होती है, बोटिंग, बोट राइड है, अन्य और प्रकार के जो वहां पर जो विकल्प हमको जो है मनोरंजन के उपलब्ध रहते हैं वो कोऑपरेटिव के माध्यम से वो चले हुए हैं और सब नौजवान लोग जो है उसमें लगे हुए हैं। क्या हिमाचल में हम कल्पना कर सकते हैं कि हमारे नौजवान, पढ़े लिखे नौजवान एक कोऑपरेटिव सोसाइटी को रजिस्टर करवाएंगे और उस सोसाइटी के माध्यम से किसी ऐसे काम को अपनाएंगे जो आज से पहले किसी ने सोचा नहीं? तो आपको क्या नहीं लगता कि अगर इस दिशा में हमारा प्रदेश और हमारा नौजवान आगे बढ़ेगा और ट्रेडिशनली जो हम करते आए हैं, बराज साहब भी बोल रहे थे पीडीएस का काम हम करते हैं, लोनिंग करते हैं, ये तो बैंक भी करता है, ये तो हमारे सिविल सरप्राइज कॉर्पोरेशन उसके माध्यम से भी ये कार्य जो है वो हो रहा है, लेकिन हमने अपने आप को बांध दिया, हमने अपने आप को सीमित कर दिया। आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की जो है आवश्यकता है। अभी रिसेंटली एक प्रकल्प जिसने राष्ट्रीय ख्याति जो है, मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा ये सफर जो है इसी प्रकार से ये आगे चलता रहेगा और ये बात ठीक है, बराज साहब का एक सुझाव के थिंक टैंक जो है वो हमको जो है वो बनाना होगा। हमारे पास बहुत रिसोर्सफुल लोग हैं, बहुत ऐसे ज्ञानी लोग हैं जिनका बड़ा अनुभव है इस काम को लेकर के, सहकारिता को लेकर के, वो ना सिर्फ उच्च स्तर पर लेकिन हमारे सोसाइटी स्तर के ऊपर भी जो है बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत से आइडियाज हैं लेकिन आइडियाज को जो है वो दिशा नहीं मिल रही, चैनल नहीं मिल रहा है, लगता है कि भाई मैं क्या कर सकता हूं अकेला। इसलिए हम प्रयास करेंगे, हम प्रयास करेंगे और मैं ये आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सहकारिता एक आंदोलन बने, हमारे प्रदेश के समक्ष जो चुनौतियां हैं उसमें सहकारिता क्षेत्र की भूमिका जो है वो क्या हो सकती है, उसके ऊपर जहां तक सरकार का सवाल है, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा अपने मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी का, हमारे जो तो दो पहले जो बड़े कार्यक्रम थे वो स्वयं उन्होंने अपनी उपस्थिति जो उसमें दर्ज करवाई, उनका लगाव है इस क्षेत्र के साथ, जो भी कुछ सरकार की तरफ से
करना बनता होगा उसको हम करेंगे, लेकिन बहुत कुछ जो है वो आपको करना है। सरकार को एक सहारा दे सकती है। महात्मा बुद्ध ने कहा था आत्म दीपो भव, आप दीपो भव, अपने दीपक जो है वो स्वयं ही बनना पड़ेगा, स्वयं ही खुद को जो है वो आपको जो है वो दूसरे हवा से थोड़ी रक्षा कर सकते हैं, लेकिन अपने दीपक जो है वो स्वयं बनना है। इसलिए कुछ नया करने की दृष्टि से आप सब लोग आगे बढ़े। और डॉक्टर साहब मेरे बारे में चर्चा कर रहे थे तो डॉक्टर साहब ने एक शब्द इस्तेमाल किया कि भाई हम एक ही कॉलेज से पढ़े और वहां ये मेरे जूनियर थे लेकिन आज मेरे बॉस हैं। मैं ये कहना चाहता हूं मैं कोई बॉस नहीं हूं, मेरा जो विभाग है हिंदी में इसको सहकारिता बोलते हैं और अंग्रेजी में इसको कोऑपरेशन बोलते हैं, और कोऑपरेशन का जो है वो दूसरा जो समानार्थी शब्द है वो है सहयोग। तो मैं तो डॉक्टर साहब का भी सहयोगी हूं और जितने सहकार बंधु आए हैं मैं उनका भी सहयोगी हूं।